नमस्कार। जिस तरह हम अपने घर की सफाई रोज करते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति होती है वो हमारे शरीर की सफाई रोज करती है। और घर में हम कभी कभी एक स्पेशल सफाई करते हैं, जैसे कि दिवाली में, उसी तरह हमारे शरीर में प्राण शक्ति जब कोई अक्यूट इलनेस हो जाता है ना, जिसको तीव्र रोग कहते हैं, उस केस में प्राण शक्ति एक स्पेशल सफाई करती है। ये बीमारी नहीं होती है, अक्यूट इलनेस बीमारी नहीं है। इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो। तो जब ये सफाई चल रही होती है तो कुछ गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ कम हो जाती है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि वॉट आर दोज 3 मिस्टेक्स दैट यू मे अवॉइड टू इंक्रीज योर लाइफ स्पैन। प्राण शक्ति जब हमारे शरीर में सफाई करती है तो या तो नज़ला, जुकाम, सर्दी, खांसी, फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त या कोई दर्द होता है। अब इस पे हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो पहली गलती कि जब भी हमको अक्यूट इलनेस होता है तो हम अपने रोज़मर्रे के काम में लगे रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको हल्का बुखार है, आपने पैरासीटामोल लिया और काम पर लगे रह गए। ये बहुत बड़ी गलती होती है फ्यूचर के लिए। जब आपको बुखार हुआ है तो प्रकृति ने यह इंडिकेशन दिया है कि आपको आराम करना है। कैसे? मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है, हमको कुछ खाने का मन नहीं करता है, हिलने डुलने का मन नहीं करता है, लेकिन हम दवा ले लेते हैं, सिम्टम ठीक हो जाता है और हम अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन ये की गई गलती आगे चल के बड़ी बीमारी का रूप लेती है और वो हम देख रहे हैं कि वो होता है, सबके साथ होता है। तो ये पहली गलती है जो हमको नहीं करना चाहिए। अगर आपके बॉडी में दर्द है, आप पेन किलर लेके काम पे मत लगिए। अगर आपका पेट खराब है तो आपने दवा ले ली और आप अपने काम पे लग गए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी की सर्विसिंग हो रही है ना। अगर गाड़ी आपने मैकेनिक को सर्विसिंग में दी है तो क्या उस टाइम पे आप गाड़ी चलाते हैं? नहीं चलाते हैं, उस समय सर्विसिंग चल रही है। दूसरी गलती कि जब अक्यूट इलनेस होता है तब भी हम भोजन वैसे ही करते हैं जैसे पहले करते थे। हम ध्यान देते ही नहीं हैं कि प्रकृति का क्या इशारा है। अगेन, नेचर इंडिकेट करती। उस समय जब हमको तेज़ बुखार होता है तो आपने नोटिस किया होगा कि हमको उस समय पानी भी अच्छा नहीं लगता है, पानी भी कड़वा लगता है। इसका मतलब नेचर इंडिकेट कर रही है कि अभी मत खाओ, अगर खाओगे तो डाइजेशन स्विच ऑन होगा और हीलिंग स्विच ऑफ हो जाएगी। ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो इसलिए हमको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोग मुझे पूछते हैं कि पेट खराब हो गया है, अभी उल्टी हो रहा है, ये अक्यूट इलनेस, सारे बहुत ज़्यादा कफ हो गया है, क्या करें? मैं एक ही बात बोलता हूँ, 24 घंटा कोकोनट वाटर फास्ट। अगले 24 घंटे तक खाना बंद कर दीजिए और भूख लगे तो नारियल पानी पीजिए, क्योंकि उसमें मिनरल होता है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। तो सेकंड मिस्टेक ये है कि कभी भी हमको अक्यूट इलनेस होता है, चाहे वो बुखार हो, डायरिया हो या कोई दर्द हो, तो उस टाइम में हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कितनी भूख है उससे कम ही खाना चाहिए। जितनी भी भूख महसूस होती है उससे कम ही खाना चाहिए और लाइट खाना चाहिए। तीसरी गलती हम ये करते हैं कि अक्यूट इलनेस जब होता है उस समय में जो गंदगी प्राण शक्ति निकालना चाह रही है शरीर से, उसको हम शरीर में ही दबा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी पार्टी में गए, आपका मनपसंद भोजन, बहुत सारा खाना आपने खा लिया, ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, तो शरीर उसको अगले दिन दस्त के रूप में निकालता है, आपको दस्त लग गए। फिर आपने उस सिम्टम को ठीक करने के लिए कोई दवा ले ली, कोई मेट्रोक्विन खा लिया और बॉडी का एब्जॉर्प्शन बंद हो चुका था ताकि गंदगी निकल सके, उस दवा ने क्या किया, एब्जॉर्प्शन को चालू कर दिया और जो गंदगी निकलने वाली थी वो आपको लगा सिम्टम ठीक हो गया, लेकिन अब वो गंदगी एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में जा रही है। अब बॉडी क्या करेगी, अब हीलिंग पावर क्या करेगी, उससे लड़ेगी। आपका WBC क्या करेगा, ब्लड में जो आ गया है फॉरेन मटेरियल जो बॉडी पहचान चुकी थी कि जिसको निकालना है, जिसको आपने दवा लेके अपने दस्त को ठीक कर लिया और वो आपके ब्लड में चला गया, तो अब बॉडी उससे भी फाइट करती है। ये आपको पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे ये जब संस्कार आपके अंदर होता है दवा लेने का तुरंत, तो धीरे धीरे वो चीज़ किसी न किसी बीमारी का रूप ले लेती है। तो
तो ये तीन गलतियां हैं जो अगर हम ना करें, वैसे तो बहुत सारे केयर के मेजर्स हैं जो हम अपनी बॉडी के लिए रखें तो हम ज़्यादा साल तक जिएंगे, लेकिन अगर ये तीन गलतियां आपने सुधार ली, पास्ट में जो किया वो किया, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर आपने इन तीन बातों का ध्यान रख लिया तो आगे आपको कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं होगी और आपकी लाइफ डेफिनेटली लॉन्गर होगी। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, मेरी बेटी 14 साल की है, इसको अस्थमा कैसे हो गया? मेरे दादाजी को नहीं है, पापा को नहीं है, मुझे नहीं, इसको अस्थमा कैसे हो गया? आप ये भी तो देखिए कि आपकी बेटी जब 2 साल की थी तब उसको जब सर्दी खांसी हुई थी, उसको बलगम आ रहा था, तब आपने क्या किया? तो शायद इन्हीं तीनों गलती में से एक गलती आपने की होगी जो अभी एक बड़ी बीमारी का रूप ले चुकी है। अच्छा, अब क्या करें? अब अस्थमा हो गया है तो प्राकृतिक जीवन शैली अपनाइए, नेचुरल लाइफस्टाइल अपनाइए, होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट पर आइए तो यह अस्थमा भी ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद आपको पता ही नहीं है कि अस्थमा ठीक भी हो सकता है, इसलिए आप एक एस्थलिन लेके और उस बच्चे का पूरा जीवन उसी एस्थलिन पे आप बिता देते हैं, जो केमिकल उसकी बॉडी में जाता है और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, वो कम जीता है। इसी तरह से कोई कहता है कि मुझे बवासीर है, पाइल्स, क्यों? क्योंकि मेरे दादाजी को था, मेरे पापा को था, मुझे भी है, तो ये जेनेटिक है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये जेनेटिक नहीं है। आपके दादाजी ने जब उनका पेट खराब हुआ था तो जो किया था, जो मेजर लिया था, जो गलती की थी, वही कल्चर आपके पिताजी को और आपको भी इनकॉर्पोरेट हो गया। शायद आपके पिताजी को आदत थी कि पेट खराब है तो कोई बात नहीं, एक छोटी सी गोली लेके काम पे निकल जाओ, और आपने भी वही किया था जब पहली बार पेट खराब हुआ था, दूसरी बार, तीसरी बार खराब हुआ था, तो इससे डायरेक्ट आपको पाइल्स नहीं हो गया था, बीच में आता है कॉन्स्टिपेशन। जब आपने पेट खराब की दवा ली, उसके बाद कुछ टाइम तक आप कॉन्स्टिपेटेड रहे, उसके बाद पता चला कि ये तो पाइल्स हो गया जी, उसके बाद आपने कोरिलेट कर लिया कि ये तो मेरा खानदानी हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इन्हीं तीन गलतियों में से एक होता है और इससे भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कैंसर का भी यही इटरेशन है, रिवर्स इटरेशन। तो अगर इन तीन गलतियों को आप सुधार लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बढ़ेगी। उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर पूछिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एन्जॉय लाइफ। नमस्कार।